ये मेरठ की, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें कि प्रतिबंधित दवाओं का खेप यहां पर बरामद की है, जहां एसीपी सेंट्रल वैराम सिंह ने प्रतापपुर पुलिस के साथ मिलकर मोइनुद्दीनपुर स्थित दवा के गोदाम में छापा मारकर करोड़ों की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। पंजाब और मेरठ के ड्रग विभाग के अफसरों के भी जांच के लिए बुलाया गया था, जहां बताया जा रहा है कि पकड़ी गई दवाओं की खेप पंजाब में नशे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एसीपी सेंट्रल वैराम सिंह की टीम ने लुधियाना से 1.5 लाख नशे की प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी थी। दवाइयों के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि मेरठ के प्रतापपुर उद्योगपुर स्थित पर्क फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाओं का उत्पादन हो रहा है और इन प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई पंजाब में हो रही है। बुधवार को एसीपी वैराम सिंह मेरठ के एसएसपी अजय साहनी से मिले। उन्होंने प्रतापपुर पुलिस से मिलकर इस कंपनी पर छापा मारा, जहां पर अकाउंटेंट नीरज को हिरासत में लेकर गोदाम पर छापेमारी की, जहां करोड़ों रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। मौके पर मेरठ के ड्रग अफसरों को बुलाया गया, जहां पंजाब से भी ड्रग विभाग की टीम मेरठ के लिए रवाना हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष हमसे जुड़ चुके हैं मेरठ से। मनीष, नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां लाखों करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई। जी कुलदीप जी, आपको बता दें ये एक पंजाब से बड़ी कार्रवाई देखने में नजर आ रही है, जहां पर मेरठ से जो आपका अवैध गोलियां जिनकी मान्यता प्राप्त खत्म भी हो चुकी है, उसका जो जा रही थी यहाँ से मेरठ से आपका सप्लाई हो रही थी। ये मेरठ स्थित आपका परतापुर मोदिनपुर में ये आपका अवैध जो फैक्ट्री चल रही थी अंबर, जी मनीष, इस पूरी कार्रवाई में किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और आगे क्या कुछ अनुसंधात्मक कार्रवाई की जा रही है? सर, इसमें आपका मेरठ एसएसपी अजय शाहनी जी ने जो कार्रवाई की है, इसमें सर जो यहाँ से सप्लाई करते थे उनको पंजाब आपका लुधियाना में पकड़ा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता मनीष हमसे जुड़े हुए थे। तो बता दें कि मेरठ में पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए प्रतिबंधित दवाओं की खेप को पकड़ा है। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।